अफगानिस्तान की बात हो रही थी, शुरू में बताया कि ये हदीस में कोटेशन मौजूद हैं कि, और ये टीचिंग जो है वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और सहाबा मौजूद थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने उनसे सवाल किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब दिए। तो ये तरबियत हमारी शरीयत में मौजूद है, दीन में मौजूद है। बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है उनके मुताबिक उन्हीं के अल्फाज हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह फरमाया था और ये चीज़ के हम पहला क्या है तो वो शहादत है, तौहीद है। इनके नाम थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं अरबी में, ठीक है, क्योंकि हम उनको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो शहादत भी कहा जाता है और शहादा भी कहा जाता है, तौहीद भी कहा जाता है, कलमा भी कहते हैं कुछ लोग। तो सबके मतलब सेम है, ठीक है। शहादत मतलब भी गवाही देना है, तौहीद की तौहीद यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और यही बेसिस है हमारे इस्लाम की, मतलब कि हमारा इस्लाम जो है वो तमाम मजाहब से मुख्तलिफ है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को यही पैगाम देके भेजा था और वो इसी शहादत की गवाही देते थे और इसी तौहीद का बयान करते थे, लेकिन लोगों ने नाम जो शुरू से ही आता रहा उसको बदलते रहे, ठीक है। इवन ना कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, आदम अलैहिस्सलाम भी इसी पे मौजूद, उनका मतलब भी यही था कि अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों के खालिक और मालिक हैं और वही माबूद हैं और उन्हीं की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तौहीद कहलाता है, ये कलमा कहलाता है। फिर नमाज जो हमारा तरीकाकार है इबादत का, उसका नाम नमाज है, जो उसपे कहते हैं। अब इसमें देखें आप जो है ना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने की है वो ये कि इसमें साथ साथ इंग्लिश लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज मोड है ना वो इंग्लिश है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो पैराग्राफिंग होती है, पॉइंट्स नहीं होते। तो इन पॉइंट्स की बेसिस पे आपको जुमले बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़े से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा नहीं एफर्ट करनी पड़ती, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वैसे ही आप अल्फाज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, आप माशाल्लाह काफ़ी क्लियर हो गए, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के सेंटेंसिंग बना लेते माशाल्लाह आते होंगे। सिनोनिमसली कॉल्ड का मतलब ये है कि ये चीज़ और हम दूसरे नामों से कैसे इसको पहचानते हैं। अरकान सेक्शन भी कहते हैं, अरकान भी कहा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, इस्लामिक आइडेंटिटीज भी कहा जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, मेट्रिक्स ऑफ इस्लाम, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, सबसे ज़्यादा तो मशहूर यही है ना, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। लेकिन समझने की बात यह है कि जब भी हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो हम इन्हीं पांच चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यही चीज़ है। तो अब सवाल में भी ऐसे हो सकता है कि अगर आपके प्रिंसिपल से आ जाए तो भी आपको यही जवाब देना है, आइडेंटिटीज का आ जाए, इस्लामिक आइडेंटिटीज हो गई आपको ये बताना है, इन्हीं के बारे में बताना। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हमने क्लेरिफाई कर दी हैं, इन्हें नामों से भी इनको कहा जाए। फिर ये वो हदीस का सेक्शन है कि जिसमें मेरे से समय फरमाया, तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है, डेफिनेटली यहाँ पे कोट कर लिया गया, कंप्लीट हदीस नहीं है इसका सेक्शन, तो यहाँ पे कोट किया ताकि आपको पता हो, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग द फेथ, ये इंग्लिश अगेन वही बात आपको हेल्प करने के लिए, जो उर्दू में मैं देखें यहाँ लेक्चर में समझा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश क्योंकि आपको लिखना होगा तो उसके लिए भाई प्रोफेस करना, प्रोफेस करना मतलब शहादत, गवाही देना, ठीक है। जिसको हम गवाही कहते हैं ना, प्रोफेसिंग है गवाही, किसकी फेथ यानी कि ईमान हमारा क्या, तो हमारा ईमान उसकी गवाही जो है वो उनके लिए तो अल्लाह ताला है ना, ठीक है। तो गवाही देने को कन्फेस करना है, और टेस्टिफाई शहादत, उस गवाही पे हम उसका अपना कहते हैं कि यही हमारा हक है, यही हम जानते हैं और यही हम मानते हैं, यही इसी का हमारा अकीदा है, उसी पे बिलीफ है, तो ये चीज़ आता है, ठीक है। और बेयर द विटनेस ऑफ, ये सब इंग्लिश है, क्या आप कन्फेसिंग कह लें, टेस्टिफाई कह लें, बेयर द विटनेस ऑफ शहादत, ये सब आप देख सकते हैं, ये प्रोफेस करना है फेथ का। तो अगर कोई पूछे भाई कि फेथ क्या है, तो फेथ ये है, हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे फेथ को, और अरबी में कहना भी ज़रूरी है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मफहूम है,
कि इंसान मुसलमान जो है ना उसको एक दफा ये कलमे की शहादत जबान से देना भी इकरार, ठीक है, ये कलमे का हक है। कलमे के तीन फराइज हैं, इकरार इंसान और तस्दीक बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो बातें हैं और फिर उसको अपने अमल में लेता है, ये तीसरी बात है। तो ये जो प्रोफेशन है इसमें हमने, अगर हम मुसलमान भी हैं तो हमें जिंदगी में एक दफा समर्थन ये हम पे कलमे का हक है कि हम उसको जबान से जरूर अदा करें, ठीक है। तो ये हमें खुद भी जानना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों की भी तरबियत इसी तरह से करें, जब वो बड़े हों तो उनको भी कलमा सिखाएं, हमारे माँ बाप ने भी हमें कलमा सिखाया और पढ़ाते भी हैं। तो उससे फिर जो ये होता है कि ये एक फर्ज जो है वो अदा हो जाता है, तो कलमा फर्जना। तो दूसरा फर्ज तो इसके माने भी बताते हैं हमें कि देखिए हमें ये गवाही देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के साथ हम इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, वो एक है वाहदहु ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं। और फिर हम इसमें चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और हम अपना कलमा कंप्लीट करते हैं, तो ये कलमा फिर हमारा हुज़ूर का सलाम की गवाही देने तक भी है, हमने दोनों गवाही दे दी, ठीक है। सिर्फ गवाही अल्लाह की वादानियत की नहीं देनी बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल और आखिरी रसूल होने की भी गवाही देनी, और इसके साथ देखें इम्पोर्टेंट बात क्या, अब्दुहु भी बताया कि वही अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी। इससे अल्लाह के नबी ने बहुत सारे फितनों को ख़त्म किया अपने दौर में भी, और बहुत सारे ऐसे सवालात का भी जवाब दिया जो दूसरे मजाहब के लोग और कुफार जो किसी मजहब को नहीं मानते थे, वो जब कहते थे कि भाई ये हमने से नहीं हो सकते या इंसानों में से नहीं होते या जो फरिश्ते होते हैं, इस तरह की बातें करते, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म किया और ये जवाब दिया कि नहीं, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ठीक है। और रसूल में भी फिर खातिम नबीन है और नबियों में आखिरी नबी है खातिम है और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो कलमे में नहीं लिखा हुआ कि खातिम नबी, लेकिन ये नबी की दूसरी अहादीस में मौजूद है, ठीक है। कि जब ये कितने आए और ये सवाल उठे तो नबी ने बताया कि मैं खातिम नबी हूँ, और ये चीज़ कुरान में भी मेंशन है, ठीक है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने खुद बताया कि आप तो हमने ना खातिम नबी बना के भेजा। तो इससे जो है ना फिर हमारे अकीदे में काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है और इससे हमारा जो इस्लाम है उसमें जो कितने दूसरे मजाहब में डालने की कोशिश की जो नसारा और कुफार वगैरह ने, तो उन सब चीज़ों का जवाब होता है जब हम इन तरह फेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। फिर प्रेयर्स पे आ जाते हैं, प्रेयर्स यानी कि इबादत। अब चूंकि अल्लाह ताला ने बताया और हमारे ईमान भी यही है कि सिर्फ अल्लाह ही एक है और सिर्फ अल्लाह ही एक है कि जिसकी इबादत करें, ठीक है। सिर्फ अल्लाह ही एक है, ये हमारा ईमान है, सिर्फ अल्लाह ही के लिए इबादत करनी है, सिर्फ अल्लाह ही को खुश करना है, सिर्फ अल्लाह ही हमारा मालिक है, सिर्फ अल्लाह ही हमारा खालिक है, सिर्फ अल्लाह ही तमाम जहानों का बादशाह है, सिर्फ अल्लाह ही सब चीज़ों का पैदा करने वाला है और सिर्फ अल्लाह ही सब चीज़ों का कंट्रोल रखने वाला है। यानी कि हम जब बात करेंगे और जो हमारा यकीन और अकीदा है वो अल्लाह ताला ने बता दिया और नबी ने भी फरमा दिया और हमारी किताब में भी लिखी, और इस्लाम की डेफिनेशन भी यही है कि जब हम बात करते हैं मुसलमान तो मुसलमान कौन है, मुसलमान वही है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह ही को अपना खालिक व मालिक मानता है, ठीक है। तो और अल्लाह ने भी यही कहा कि मुसलमान ही वही है जो माने मुझे ना, तो इस वजह से हमारी इबादत भी जो है ना, हमारी इबादत भी जो है ना वो सारी इबादत ही अल्लाह ही के लिए, ठीक है। और जो तरीका अल्लाह ने पसंद फरमाया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बता दिया, सिखला दिया, और जो तरीका उन्होंने सिखलाया वो तरीका आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं।
इस्लाम का तरीका फॉलो करने चाहते हैं, सहाबा ने फॉलो किया, अपने औलाद को सिखाया उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने अपने औलाद को सिखाया उन्होंने फॉलो किया,